वहीं बड़ी खबर, बीजेपी महिला मोर्चा का आज प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे सिविल लाइन में यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त है। सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी बीजेपी महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं। सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन होगा, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। महिला अत्याचारों में कथित बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन तक, जहां पर सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च बीजेपी महिला मोर्चा की जो सदस्य है वो करती हुई नजर आएंगी। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए सुमित, राजनीति शक्ति प्रदर्शन और सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाता है, उसी कड़ी में इसे देखा जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश में बढ़ते अपराधों के सिलसिले में बीजेपी पहले भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन महिला मोर्चा को अपनी ताकत दिखानी है और इसीलिए जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके लिए उनके समर्थक ये भी दावा करते हैं कि भावी विधायक हैं वो उदयपुर की, वो पिछले कुछ दिन से जयपुर में डटी हुई हैं। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाने की उनकी कोशिश है। इससे पहले जयपुर शहर बीजेपी प्रदर्शन कर चुकी है, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदर्शन कर चुका है, भाजयुमो प्रदर्शन कर चुका है और SC ST मोर्चा प्रदर्शन कर चुका है। सबके अलग अलग मोर्चों की ताकत देखने के बाद में महिला मोर्चा की बारी है। सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन होगा, बीजेपी कार्यालय पर जुटेंगे 10 बजे और उसके बाद 11 बजे तकरीबन बीजेपी कार्यालय से सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च निकालेंगे। प्रदेश में कथित तौर पर बढ़ रहे महिला अपराध और दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके लिए सरकार के अपने तर्क हैं। हालांकि जो सरकारी तर्क हैं उनसे विपक्ष कतई सहमत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि FIR दर्ज करने की छूट देने की बात कह करके सरकार बच नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपराधों को रोके, और इसी की मांग उठाते हुए आज महिला मोर्चा का प्रदर्शन होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शशि आपका।